सर यहाँ पे होल्ड, यहाँ पे जिस तरह से ये पांचवा साल है, किस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर आज आप खुद भी मौजूद हैं, किस तरह देखते हैं ये जिस तरह से प्रोग्राम ऑफ है? वेल, मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत ही टफ और एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन है यंग एंड ओल्ड टैलेंट के बीच। करण जी ने जो पूरे इंडिया से हर टाइप के एज ग्रुप को लेके यहाँ पे कैटर कर रहे हैं मिसेस पर्सोना इंडिया 2022 सीजन 5 के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को देख के कि हर एज ग्रुप को उन्होंने लेके आए हैं। और जो कई लोग होते हैं, लाइक मेरी मम्मी अभी इस दुनिया में नहीं है, अगर होते तो मैं उनको ज़रूर बोलता कि यहाँ पे उतरें, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा होता है जो ये स्टेज है उनको दे रहा है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है कल कि बहुत सारे यंग टैलेंट हैं और बहुत सारे मिडिल एज ग्रुप टैलेंट हैं जो आपस में कॉम्पिटिशन करने वाले हैं, और देखना ये है कि कौन जीतता है। सी, मैं एक स्माइल स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरे हिसाब से खूबसूरती इंसान की मुस्कुराहट से होती है। बिकॉज ये मिसेस कैटेगरी है तो इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इट्स एन ऑल इंक्लूसिव कैटेगरी, मतलब कोई एज लिमिट नहीं है, हाइट लिमिट नहीं है। हो सकता है बहुत लोगों की शादी जल्दी हो गई होगी, उसकी वजह से वो कभी पार्टिसिपेट मिस कैटेगरी में कर नहीं पाए होंगे। बिकॉज वो मिसेस कैटेगरी है, उनको एक मौका मिलता है, एक लॉन्च पैड मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है घरेलू जिंदगी से बाहर आके अपने टैलेंट को दिखाने का। बहुत टाइम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहते हैं बिकॉज शादी के बाद प्रायोरिटीज़ बदल जाते हैं, बट ये उनको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है लोगों को दिखाने का, खुद को बताने का कि मेरे में जो ये टैलेंट था मैं वो प्रदर्शित कर रही हूँ। मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे एक स्टेज मिल रहा है अपने आप को दर्शाने के लिए कि मेरा अंदर का पोटेंशियल क्या है। आप जिस तरह से पर्सोना मैगजीन पर्सोना प्रोग्राम के लिए आप एज अ मैगजीन मीडिया पार्टनर हैं, किस तरह देखते हैं और जब आपसे बात हुई करण जी से तो किस तरह से लगा कि आपको इसके पार्ट होना चाहिए? एक्चुअली पर्सोना एक इस लेवल पे शो हो रहा है जो कि सब मिसेस इंडिया वालों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि मैंने लास्ट के चारों सीज़न देखे हैं अभी तक के। ये लोग बहुत अच्छे लेवल पे शो कर रहे हैं, पर्सोना मिसेस इंडिया बहुत एक अच्छे लेवल पे शो हो रहा है नेशनल लेवल पे, जिसकी वजह से एक मैरिड वुमन्स को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आगे जाने के लिए, उनका सपना पूरा करने के लिए। सो उसकी वजह से हमने एसोसिएशन किया इनके साथ एज अ मैगजीन पार्टनर, ताकि हम लोग इनके इवेंट्स और इनके जो विनर्स हैं इनको और प्रमोट कर सकते हैं और उनको ज़्यादा एडवर्टाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा पर्सोना मिसेस इंडिया 2022। हम वैसे काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हैं उनके साथ और हम क्राउन्स बनाते हैं, शैशिश बनाते हैं इसके लिए, और हम कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ नया दें, कुछ अलग दें। और पर्सोना के लिए इस बार भी हमने अलग कॉन्सेप्ट्स का किए हुए हैं और ट्राई करते हैं कि ब्यूटीफुल लड़कियों को और भी ब्यूटीफुल्स बनाएं, उनके सर पे ताज जाएं, उसकी वैल्यूज़ बढ़ाएं, क्योंकि एक एम्स होता है, जैसे कि प्रीशा क्रिएशन का मानना है कि लड़कियाँ जो इतनी मेहनत करने के बाद जीतती है, इट्स अ प्राइड फॉर दैम, इट्स नॉट अ पीस ऑफ ज्वेलरी। तो वो अर्न करती हैं, उसको उसके लिए वो जिम्मेदारी के साथ आता है वो, तो उसको संभालना, उसको काफ़ी लंबे अरसे तक टिकना, इसके लिए जो क्वालिटीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं वो इस बार भी बहुत अच्छी की हुई है और आगे भी करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब बात फैशन की हो, तो किस तरह से फिटनेस की तरफ आज आप यहाँ पर पर्सोना के साथ आपने लोगों को क्या कुछ गाइड किया है एज अ फिटनेस? ये काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ ना कि टैलेंट हम दिखा रहे हैं बट एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म भी है। सो फिटनेस आज के टाइम में, जैसे आप लोगों को कोरोना में भी देखा कि हर लोग फिट और इलनेस फ्री होना चाहते हैं। सो हमारा एक ये मुहिम है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी, थ्रू कॉन्टेस्टेंट्स आल्सो, कि हम फिटनेस को अवेयरनेस को फैलाएं इंडिया में। जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बात आज फैशन की हो रही है और आप राजनीति जगत से जुड़े हुए हैं, तो आज फैशन में किस तरह से आप पर्सोना को देखते हैं और किस तरह से यहाँ पर आई हुई महिलाओं के टैलेंट को देखते हैं कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है? प्रसन्ना मिसेस 2022
इस एक ऐसा माध्यम जिसमें महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी चीज़ों को, अपनी कला को लोगों के बीच में रखने के लिए। और हमारी भारत की संस्कृति में महिलाओं को फ्रीडम टू स्पीक इन एवरीवेयर और अपनी लिबर्टी को जो है लोगों तक पहुंचाने की पूरी आज़ादी है। इसीलिए बोलते हैं लिबरेट द वुमेन एवर रिस्पेक्टेड वुमेन, मुक्त करो नारी को, चीर बंधनी नारी को। और आज जिस प्रकार से प्रसन्ना के द्वारा उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आने वाले दिन में अपने चीज़ों को लोगों तक दिखाना, अपने कला को आम लोगों के बीच में पहुंचाना, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर्सोना मिसेज इंडिया की फैमिली से मैं एक्चुअली पिछले साल जुड़ गई थी। मैं पिछले साल पार्टिसिपेट किया था एंड आई वन द वुमेन ऑफ यूनिवर्स क्राउन। इस साल भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी हियर। प्रोत्साहन देने के लिए मैं आई हूँ टू डू ऑल द न्यू वुमेन टू कम हियर एंड एक्सप्लोर द टैलेंट्स। 2021 में आप विनर रही हैं और अब एक बार फिर आप सपोर्ट के लिए यहाँ पर आएंगे, कैसा लगता है जब आप वन टाइम 2021 में आप यहाँ पर खुद थी इस प्लेटफॉर्म पे अपने टैलेंट के साथ, लेकिन आज आप यहाँ पर लोगों को सपोर्ट किया है, तो कितना अच्छा लगता है कि आज आप बनने के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे? एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत एक अमेजिंग फीलिंग है, बिकॉज अब पर्सोना इज़ नॉट अ कंपनी फॉर मी, इट्स लाइक अ फैमिली फॉर मी। उन लोग ने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया है, स्पेशली बबीता जी, करण, प्रियंका, एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड एवरीबडी इज लाइक अ फैमिली मेम्बर नाउ। सो कमिंग बैक वॉज नो चॉइस, आना ही था मुझे तो वापस। एकता जी क्या कहना चाहेंगे पर्सोना के साथ, कैसे आपका कंबाइन हुआ है उनके साथ, आप एज ए पार्टनर हैं और किस तरह से इस फैशन को मंच को देखते हैं कि घर के किचन को संभालने वाली महिला जब इस स्टेज पर आकर अपने टैलेंट को दिखाती है? ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, फॉर ऑल द मैरिड वुमेन, फॉर ऑल द मैरिड वुमेन एंड ऑल। इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि सबको एक मौका मिलता है कि घर के किचन से बाहर आके एक अपना पैशन दिखाने के। 2022 पाँचवा साल है, किस तरह से ये 5 साल निकले, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे? पर्सोना मिसेस इंडिया बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली हम लोगों ने निकाला, क्योंकि इसमें हम लोग जो तीनों पार्टनर हैं प्रियंका, करण, हम लोग साथ में काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है। और हमारे साथ आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, प्रेशा जी जुड़ी हैं, होममेड जुड़े हैं, सभी लोग जो साथ में जुड़े हैं इनका, और आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ रहा जो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इतने आगे तक पहुंचे हैं और आगे जाना है। मिस्टर इंडिया का खिताब जीत चुके और आज यहाँ पर आप पर्सोना के लिए, मिसेस इंडिया 2022 के लिए सपोर्ट किया है, कैसे देखते हैं, कितना चैलेंज होता है आपके पास जब आप इस प्लेटफॉर्म पर होते हैं और काफ़ी लोग होते हैं और आपको ये खिताब अपने नाम करना होता है? देखिए, जब मैं मिस्टर इंडिया कर रहा था वहाँ, तब बहुत नर्वसनेस तो होती ही है ना, इट्स क्वाइट नॉर्मल, होना ही है। बट मिस्टर और मिस दोनों में प्लेटफॉर्म है, बट मिसेज में बिल्कुल प्लेटफॉर्म नहीं होता है आगे जाने के लिए। तो थैंक्स टू करण भाई, उनने ये प्लेटफॉर्म दिया है मिसेज के लिए, और मेरी खुद सिस्टर इन लॉ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अपने आप को आगे रिप्रेजेंट कर सकती हैं एक पेजेंट में अच्छे लेवल पर। सो या एक फैमिली को हैंडल करते हो, जब इस प्लेटफॉर्म फैशन से जुड़ना और यहाँ पे जिस तरह से टैलेंट दिखा रहे हैं, कैसे आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज आप यहाँ यहाँ इस प्रोग्राम तक पहुँची हैं, तो किस तरह आप सपोर्ट करते हो और आपको लगता है जिन महिलाओं में भी टैलेंट है उन्हें इस तरह से इस शो में आके पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक एक हाउसवाइफ हूँ एंड देन आई एम अ मदर। सो जिस तरीके से पार्टिसिपेंट आज जितने भी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उनको देखते हुए मैंने करण को भी यही सपोर्ट किया कि हमारे होटल में स्टे करिए, बिकॉज ऑल आर लेडीज़ एंड लेट देम एंजॉय, बिकॉज 5 डेज़ का ट्रेनिंग इतना ज़्यादा रहता है उनका, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। सो आई थिंक सारी महिलाओं को एक बार अपने आप को ये एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए, और ये त्रिम्बक राज दे रहा है। आई एम हैप्पी, आई एम ऑल्सो बीन बिजनेस पार्टनर एज ए होटेलियर to them, so I'm happy that I'm also supporting in a way. मिस इंडिया 2022 के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और क्या देखते हैं कि किस तरह से ये मौका दे रहा है लोगों को अपने टैलेंट दिखाने का? गुड इवनिंग एवरीवन, मैं
मेरा नाम वसीम आलम है, मैं फैशन कोरियोग्राफर हूँ और झारखंड रांची से बिलोंग करता हूँ। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है परसोना मिसेस इंडिया, नॉट ओनली मैरिड वुमेन के लिए, डिवोर्सी भी हैं उनके साथ भी वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बहुत सारी लेडीज़ का प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग जल्दी शादी हो जाती है तो घर पे फंस जाते हैं, बहुत सारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। अभी इन लेडीज़ के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आके अपना परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, अपना टैलेंट दिखा रही हैं और अपने एरिया को एक प्रूफ करके दिखा रही कि मेरे से ये हो सकता है, आई कैन डू इट। तो ये बहुत अच्छा है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा बबीता मैम एंड करण सर को कि जिन्होंने यहाँ पे अपने टीम में मेरे को इंक्लूड किया है। ओके, हाय, आई एम सोहेल शेख। सो पर्सोना इज़ अ वेरी गुड प्लान फॉर मैरिड वुमन। जैसे कि हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसे पेजेंट है जो अनमैरिड जैसे कि गर्ल्स के लिए होते हैं, जैसे कि फैमिली नाम इज इंडिया। सो पर्सोना इज़ लाइक वन ब्रांड जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ मैरिड वुमन पेजेंट, एंड इट्स टाई अप विद द इंटरनेशनल ब्रांड ऑल्सो। तो एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है जब मैरिड वुमन आके इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है। थैंक यू। सो पर्सोना मिसेस इंडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द मैरिड वुमेन। पहली बात तो यहाँ पे जो भी शादीशुदा शादी के पहले किसी की एक इच्छा होती है कि मैं भी इंडस्ट्री में जाऊँ, मैं भी अपने लिए कुछ करूँ, मैं भी इस ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ूँ, तो शादी के बाद यूजुअली कहीं ना कहीं वो एक लाइन बन जाती है। फेमिना मिस इंडिया होता है मिस के लिए, बट मिसेस इंडिया आज तक इस लेवल पे जो चैनल पे आता हो या जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी के साथ कोलैबोरेटेड हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं। सो वी स्टार्टेड पर्सोना मिसेस इंडिया आज से 4 साल पहले, दिस इज द 5th ईयर। सो हर तरह की औरतें मिलेगी क्योंकि इनर ब्यूटी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। आप सब मेरा मानना है जॉन अब्राहम जैसी बॉडी नहीं बना सकते, बट आई थिंक उनसे उस तरह का दिल बनाकर अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रख सकते हो। तो हर किसी में खूबसूरती होती है, हर कोई इंटरनल ब्यूटी के साथ आता है। तो मिसेज इंडिया कहीं ना कहीं देखता है आपका नेचर, आपका बिहेवियर विद अदर पीपल, आपका एटीट्यूड, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आता है टैलेंट। सो या आज इतने चौथा दिन है आज, और इतने दिनों से हम लोगों ने जो भी चीज़ें की है आज फाइनली उन लोग टैलेंट भी दिखा रहे हैं। उनके ऑब्जर्वेशंस हो चुके हैं, उनका नेचर कैसा है, वो वॉक कैसे करती हैं, वो खाना खाते वक्त कैसे बिहेव करती हैं, उनका उनके कलीग्स के साथ कैसा, रूममेट्स के साथ कैसा बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो चुकी है। टुडे इज़ द टैलेंट राउंड। इस टैलेंट राउंड में कुछ औरतें आएंगी जो गाना गाएंगी, इस टैलेंट राउंड में कुछ औरतें आएंगी जो डांस करेंगी, कुछ आई थिंक शायद कोई ब्रेक लेके आए या उसे तोड़ने की कोशिश करे, कुछ जुम्बा करके दिखाएंगी, कुछ योगा करके दिखाएगी। सो टैलेंट इज ऑल अबाउट आप किसी को एंगेज कर सकते हो अपना टैलेंट दिखाते हुए, तो दैट्स कॉल्ड टैलेंट। और वो टैलेंट राउंड आज है। आज आप कह सकते हैं कि फिनाले के एक दिन पहले जो सेमीफिनाले होता है वो है, क्योंकि आज के जो पॉइंट्स हैं, आज के जो मार्क्स है हमारे विनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यार टुडे इज अ टैलेंट राउंड और वो टैलेंट राउंड में अपने हिसाब से कुछ भी दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगी कि क्या एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए जो आपने तैयार किया है। आपने जब इसकी शुरुआत की और आज तक में किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है और किस तरह से लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। ये अभी हमारा पर्सोना मिसेज इंडिया का 5th सीज़न है। जब हमने फर्स्ट सीज़न चालू किया था तो ऑब्वियसली थोड़ी सी तकलीफ हुई थी क्योंकि फर्स्ट ईयर था, ब्रांड नया था, तो लोगों को विश्वास करने के लिए भी थोड़ा टाइम लग रहा था। पर जैसे जैसे साल बढ़ते गए, सीजन्स बढ़ता गया, लोग हमसे जुड़ते गए, कंटेस्टेंट्स लोग को भी पिछले कंटेस्टेंट्स को देख के पता चला कि ये जेन्युइन है, और जो भी हमारे साथ टीम मेंबर्स या स्पॉन्सर्स या कोई भी इवेंट वाले जुड़ते हैं तो उनको पता है कि अगर ये ब्रांड पिछले 4 साल से ये चीज़ इतनी आगे तक बढ़ा चुका है तो ऑब्वियसली इस ब्रांड में कुछ ना कुछ तो बात है। तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होती गई। जब मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को सुना था तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा, क्योंकि जब हम ऑडिशंस वगैरह में अपने चैनल पार्टनर के साथ बात करते थे तो वी रियलाइज़ कि एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉम्पिटिशन, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर देम। अगर आप उनसे मिलेंगे या ये लाइफ टाइम में एक बार आने वाला एक्सपीरियंस है, और जो हमारे पार्टनर्स हैं, इवन हमारे ग्रूमिंग मेंटर्स या हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं, वो सब दे ऑल आर प्रोफेशनल, तो इतने लोगों को इकट्ठा करके मौका मिला, इट्स आई थिंक इट्स अनअचीवेबल
बहुत से लोगों के लिए येस. सो जिसको भी मौका मिले जस्ट एंजॉय इट एंड डू योर बेस्ट. सो मोगासिनी इज अ लेबल जो सेल्फ लव और वी सपोर्ट सेल्फ लव एंड दिस इज समथिंग दैट women need to be connected with. Jewelry is something that they are all adored with, and thereby we thought this is the best platform to get connected and, you know, incorporate self-love and grow more. Persona Masses India 2022 जी 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 बिल्कुल. हमारी हमेशा कोशिश रही है, ये हमारा आज 5th सीज़न है जो हम लोग ने स्टार्ट किया है 1 जुलाई से. अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है उन लोगों का. देन हम लोग तो हमारी पूरी यही कोशिश रहती है कि हम इनका टैलेंट जो है हर जगह से, जितनी लेडीज़ें आती हैं हमारे, मतलब छोटे छोटे जगह से भी. इस बार हमारे पास रांची से भी कुछ लेडीज़ें आई हुई हैं जो आज तक नहीं आई थी. हमारा 5th सीज़न है तो अभी तक रांची से नहीं आई थी, अब रांची से आई हुई हैं. तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे जगह से भी जो लेडीज़ें आ रहे हैं, हम उनका टैलेंट जो है हर जगह उनको दिखाया जाए, उनको आगे प्रमोट किया जाए, उनका जो छुपा हुआ टैलेंट है वो दिखाया जाए. ग्रूम किस तरह से किया जी? ग्रूमिंग के लिए ग्रूम तो उनको मतलब हर तरीके से किया जा रहा है, जैसे वॉक है, उनका बोलने का तरीका है, उनको माइक कैसे पकड़ना है. हम लोग ने बहुत सारे मेंटोर रखे हुए हैं जो उनको ट्रेन कर रही हैं, और उन लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके, जो हमारी लेडीज़ हैं पार्टिसिपेट हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से उन लोग, हम उनको मतलब सिखाया जा रहा है और उन लोग भी इंटरेस्ट ले रही हैं.